बिग बॉस के घर में आसिम रियाज क्यों नहीं आए। शुरुआत से इस बात को लेकर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन थी कि आसिम को बुलाया गया है, आसिम को नहीं बुलाया गया। बिग बॉस 13 के रनर अप आसिम रियाज एक ऐसे शख्स थे शहनाज गिल के साथ जो घर के अंदर आए उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब बाहर निकले तो उनकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे में अब आसिम रियाज ने खुद बताया है कि उनको ऑफर आया था या नहीं आया था। तो क्या कहना है आसिम रियाज का, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आसिम रियाज ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, मुझे बिग बॉस 14 का ऑफर ज़रूर आया था। तूफानी सीनियर्स गए, वाइल्ड कार्ड गए, यहाँ तक कि चैलेंजर्स भी गए, तो उनका ये कहना है कि उन्हें भी ऑफर आया था लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ऑफर उन्हें आया था वो 140 दिन घर के अंदर रहने का था और इतना लंबा समय जो है वो घर के अंदर नहीं रह सकते थे। साथ में उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी दोबारा रिकवर हुआ हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहा हूँ और मेरे लिए बिग बॉस में जाने का फ़िलहाल जो है सही समय नहीं था। मैं अपनी बात कहूँ तो अभी अभी बिग बॉस से रिकवर हुआ, वो घर आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर छोड़ जाता है, आपको अचानक कई चीज़ें याद आने लगती है और इसलिए मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहता था। लेकिन अगर मुझे बाद में ऑफ़र मिला तो ईमानदारी से कहूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन जब मुझे ये ऑफ़र मिला था उसी समय मैं बिग बॉस के घर से निकला था और तब मैं तैयार नहीं था और इसीलिए मैंने मना कर दिया था। तो आसिम रियाज ने ये बात क्लियर की है कि हाँ, उन्हें ऑफ़र आया था, ज़रूर आया था, उन्हें आने के लिए कहा गया था, लेकिन 140 दिन का समय जो उन्हें कहा गया था वो बहुत ज़्यादा था और उसके लिए वो तैयार नहीं थे, इसीलिए वो बिग बॉस के घर में नहीं गए।